नमस्कार हम प्रियजनों, आप देख रहे हैं BHU पार्टसल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रात के 11 बज रहे हैं, प्रांगण है काशी हिंदू विश्वविद्यालय और हम लोग प्रोक्टोरियल BC ऑफिस के सामने अभी धरने पर बैठे हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे छात्र जो हैं वो ठंड बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग आराम से अपने घरों में बैठे हैं उनसे तो कहीं ज़्यादा कष्टदायक जीवन यहाँ पे ये लोग व्यतीत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, मुद्दा क्या है, बहुत सारे मिसकंसेप्शन जो हैं लोगों के दिमाग में वायरल हो रहे हैं बड़े तेज़ी से। तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे जानने का कि मुद्दा क्या है और एक्चुअली उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है, इनकी मांग क्या है, इसको पूरी तरीके से हम लोग जानेंगे। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम कुमार शेखर हुआ। कुमार शेखर जी, आप LLB फैकल्टी ऑफ लॉ से हूँ। ओके। और मुझे आप जो मसला समझाना है यहाँ पे वो ये है कि पिछले कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि एक लंबे अरसे के बाद लोग कह रहे थे कि यूनिवर्सिटी खोली जाए, जो कि फाइनली यूनिवर्सिटी खुला और हम इसका बहुत स्वागत करते हैं कि यूनिवर्सिटी खुला। और जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बच्चे हैं और जो भी यहाँ के बच्चे हैं उनको यहाँ पे आना उनका अधिकार है, ऑफलाइन क्लास उनका लेना अधिकार है। तो जो मिसकंसेप्शन जो चारों तरफ फैलाया जा रहा है वो ये है कि हम लोग जो भी बैठे हैं वो हम यूनिवर्सिटी बंद कराने के लिए या फिर ऑनलाइन कराने के लिए बैठे। हमारा ये बिल्कुल भी मांग नहीं है। हमारा केवल ये मांग है कि जो बच्चे घर से यहाँ नहीं आ सकते हैं और उनके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, किसी को कहीं पे इंटर्नशिप कर रहे होंगे, किन्हीं का कहीं पे एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, कोई कहीं पे जॉब पकड़ लिए होंगे, फाइनेंशियल स्थिति भी कोविड के बाद बहुत चीज़ें बदल गई हैं। तो हमारा बस ये कहना है कि जिनको ऑफलाइन यहाँ आके करना है उनका बहुत स्वागत है। यूनिवर्सिटी बनाई भी इसीलिए गई है कि यहाँ पे ऑफलाइन कक्षाएं चल सकें। अब हमारा कहना ये है कि जो लोग घर पे हैं और किन्हीं कारणों वश यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, हमारा बस ये, उतना दिन से हम लोग 4 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं धरने में, एक दो बार आश्वासन मिला है लेकिन इस पर कोई काम नहीं हुआ, हमारा बस यही कहना है कि उन लोगों को भी हाइब्रिड मोड में उनके लिए भी क्लासेस कंडक्ट की जाएँ ताकि वो भी अपना सिलेबस पूरा कर सकें और साथ में उनको जो उनकी जो भी दूसरी जिम्मेदारियाँ उसको भी अपने पूरे से काम कर सकें उस चीज़ के लिए। देखिए, आप लॉ फैकल्टी से बिलोंग करते हैं, इस चीज़ को आप बहुत अच्छे समझते होंगे कि किसी के पर्सनल इश्यूज से विश्वविद्यालय नहीं चलता है। जी बिल्कुल ठीक। हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि अगर विश्वविद्यालय ऑफलाइन मोड में चालू हो रहा है तो आप जो एक दो लोग की समस्याएं उनको छोड़ के, ठीक है, कि कोई जॉब कर रहा है, कोई इंटर्नशिप कर रहा है, कोई बीमार है, किसी का इकोनॉमिकली प्रॉब्लम है, बेसिकली वो प्रॉब्लम आप अगर लोगों को बताएं जो कि सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है, वो है कि क्या OBE एग्ज़ाम है या फिर इसका कोई और दूसरा मुद्दा भी है। देखिए, अगर वर्चुअल अगर जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस चलेंगी, जो लोग घर पे बैठ के ऑनलाइन क्लासेस करेंगे उनके लिए ऑनलाइन एग्ज़ामों का भी व्यवस्था होना चाहिए। और एग्ज़ाम, मेरा जब ये मानना है कि जब सिलेबस जो है वो एक बहुत कंसिडरेबल पोर्शन जो है वो ख़त्म किया जा चुका है ऑनलाइन एग्ज़ाम, ऑनलाइन क्लासेस के दो महीने की आप देख लीजिए ना कि जनवरी से हमारा हर फैकल्टी में लगभग मोर और लेस 5-7 दिन का अंतर होगा, लेकिन इसी समय जो हमारा सिलेबस यहाँ से शुरू हुआ है, सेशन शुरू हुआ है, तो एक कंसिडरेबल पोर्शन जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब उनके लिए जो है आप अगर ऑफलाइन मोड कर देंगे, ऑनलाइन में पढ़ाई हुई है और कैसे पढ़ाई होती है ये बात सबको पता है क्योंकि जो कर रहे हैं उनको बिल्कुल अच्छे से मालूम है, प्रोफेसर को मालूम है ये बात। तो उनके लिए अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम हो जाएगी तो इसमें क्या बिगड़ जाएगा? जो भी एंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है वो इस बार जो है वैसे ही करा लें, अगले बार से जो है जब फ्रेश सेशन शुरू होगा तो उसमें ऑफलाइन कराइए और ऑफलाइन एग्ज़ाम लीजिए। ये मुद्दा बहुत बेहतर है, इस बात को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जो हमारे व्यूअर हैं, ये अभी आप लोग तो यहाँ पर काशीचल प्रांगण में खड़े हो, जो लोग देख रहे हैं ये लोग विश्वविद्यालय का गेट भी नहीं देखे हैं। अब आपने ये जो बात बोला, इस बात को बहुत अच्छे समझना पड़ेगा कि एक नए सेशन से अगर ऑफलाइन आप चालू करते हो तो फ्रेश माइंड से बच्चा जाकर उसको कंटिन्यू करेगा। अब आज लगभग सिलेबस 50% अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ तो कंप्लीट हो चुका है। ऐसे में फिर आप इसको कन्वर्ट करके ऑफलाइन में अगर ले जाए तो जाहिर सी बात है कि इनकी मार्कशीट गंदी हो जाएगी भाई, उतना मेहनत करना पड़ेगा। और अभी जिस तरीके से आप अचानक से ओपन कर दोगे और वो लोग सेटल होंगे तो 10-20 डेज इसमें भी जाएगा। एक चीज़ है कि आपको सेटल होने में वक्त लगता है, दूसरा चीज़ है कि जिनको ऑफलाइन क्लासेस तो होनी ही चाहिए, इसमें हम इसके विरोध में नहीं है कि ऑफलाइन क्लासेस नहीं होनी चाहिए। जो बच्चे अभी फर्स्ट ईयर में है या फिर जिस सेमेस्टर में भी है वो आए और यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस करें, ये उनका अधिकार है। हम उनके अधिकार के खिलाफ नहीं खड़े हैं, हम बस ये कह रहे हैं कि जिन लोगों के साथ समस्याएं हैं उनके लिए भी सोचा जाना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ये समस्याओं से हम लोग अवगत नहीं है, ये आप भी अवगत हैं। जिस तरीके से पढ़ाई होती है और उसके बाद जो अभी जॉब का किसी का एग्जाम होगा, कहीं कोई इंटर्नशिप करेगा, कोई ऑलरेडी जॉब कर रहा होगा, बहुत मजबूरियों के कारण भी जॉब कर रहा होगा, अब अचानक से उसको यहाँ पे आना पड़ेगा तो ये कितनी दिक्कत। और देखिए एक चीज़ और है कि ये डिसीजन अपने आप में कितना आर्बिट्रेरी है कि जिस दिन हमारा
नोटिफिकेशन आया है उस दिन कहा गया है कि विथ इमीडिएट इफेक्ट जो है आपका यूनिवर्सिटी खुल जाएगा। देखिए थर्ड ईयर के बच्चों का जो नोटिस मैंने पढ़ा था वो नोटिस हम लोगों ने उस पर वीडियो भी बनाए, ये बात तो एकदम सही है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसमें पढ़ने वाला बच्चा दूरदराज का भी हो सकता है। अब दूरदराज का बच्चा है तो क्या वो अब वो सुबह की चाय थोड़ी है कि खोला के तुरंत पी लिया भाई। अब जाहिर सी बात है आप कम से कम एक अल्टीमेटम दोगे, एक नोटिस जारी करोगे, 10 डेज़ का टाइम दो, 15 डेज़ का टाइम दो, 20 डेज़ का टाइम दो। अब यहाँ पे कोई एक नोटिस नहीं जारी है, अचानक से बुलाओगे तो भाई दर्द तो होगा ही। इनके साथ एक और लोग जुड़े हुए हैं सहयोगी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवमणि त्रिपाठी है। हाँ, कहाँ से बिलोंग करते हैं? फैकल्टी ऑफ लॉ से हूँ मैं। फैकल्टी ऑफ लॉ से आप भी हैं जी, तो सेम समस्या आपको भी सब चीज़ों से है? सेम हमारी भी है, जो इन्होंने बोला ना कि डिसीजन लिया गया बहुत ही आर्बिट्रेरी है, अचानक से खोल दिया गया विदाउट एनी नोटिस। विदाउट एनी नोटिस जो भी लोग कहीं जॉब कर रहे होते हैं अपनी जॉब छोड़ने के लिए भी उनको पहले नोटिस देनी पड़ती है। अब इसकी वजह से अचानक अपनी जॉब छोड़े आ गए हैं बिना सैलरी लिए लास्ट महीने की, जिनका नुकसान हुआ इसकी वजह से। और जो बाकी लोग भी हैं जो मतलब अचानक से आए हैं उनको यहाँ सेटल होंगे समान। अगर हम लोग जॉब की बात करें ठीक है वो एक समस्या है, लेकिन समस्या नहीं, एक चीज़ हम लोगों के दिमाग में जो है ना मिसकॉन्सेप्शन वो इस चीज़ को लेके कि यूनिवर्सिटी जो है ना गुरुकुल है, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग अपना बाकी भी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए भी पढ़ाई करते हैं यहाँ पे, और ये एक बड़ा तबका है, सबके बाबूजी पैसा नहीं देते हैं कि बेटा तुम जाओ यूनिवर्सिटी में, और यूनिवर्सिटी का भी खर्चा हम तुमको दे रहे हैं। 18 वर्ष के बाद ज़्यादातर बच्चे यही कोशिश करते हैं, ज़्यादातर बच्चे कि हम पढ़ें और साथ में अपना कमाई करें। और सबके पिताजी देखिए सब हम लोग को भी पता है कि अब उस तरीके की बात नहीं रही कि हर एक के बाबूजी जो है पैसा खेत बेच के आपको पढ़ने के लिए पैसे भेज रहे हैं। इन सब समस्याओं से पूरा सब लोग अवगत हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ जो ये है कि आने में यहाँ पे और सेटल होने में बहुत सारी समस्याएं होंगी, लड़कियों के लिए तो ये समस्याएं और बढ़ जाएंगी, और बढ़ जाएंगी, इसलिए कि उनको बहुत हेफ्टी अमाउंट एक जमा करना पड़ता है हॉस्टल में लेने के लिए। और अगर मान लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा को हॉस्टल दे भी दिया गया फिर भी ये समस्या नहीं सुलटेगा, क्योंकि इसके साथ साथ साउथ कैंपस है, एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, उनका तो मसला फिर वैसा ही है क्योंकि वहाँ पे हॉस्टल की सुविधा भी नहीं है। तो जो BHU एडमिनिस्ट्रेशन जो डिसीजन लेगी वो सब कुछ को हर एक इन मुझे नहीं लगता है कि इन मुद्दों पे कभी डिस्कशन भी हुआ होगा किसी मीटिंग में, क्योंकि वहाँ पे एक दो मुद्दों को उठाते हैं उसी पर डिसीजन ले लेते हैं। और जब इतना चीज़ नहीं सोचा गया कि इतना जल्दी में किसी को बुलाएंगे तो कोई अब ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे जो है लगभग पूरे भारत के छात्र पढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय छात्र भी आगे पढ़ते हैं। अब बताइए कि उनमें से कितने लोगों के लिए ये चीज़ों जो है मुद्दों पर सोच के और ये डिसीजन लिया गया है कि विथ इमीडिएट इफेक्ट आपका यूनिवर्सिटी खुल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपकी जो बात है ये प्रशासन को सोचने वाले विचार करने वाली बात है। यहाँ पे कोई ऐसा है जो सेकेंड ईयर में है? सेकेंड ईयर का कोई छात्र है? अच्छा द्रुति, सेकेंड ईयर के छात्रों को भी सेम समस्याएं हैं। और देखिए एक चीज़ समझिए कि जो सिलेबस ऑनलाइन कराने वाली बात जो है, जहाँ पे सिलेबस ऑनलाइन ख़त्म हो गया है वो तो सेकेंड ईयर वालों के लिए भी हुआ होगा, वो तो फर्स्ट ईयर में भी जो होंगे उनके लिए भी होगा। तो ये जब ऑनलाइन जब सिलेबस ख़त्म हो रहा है तो उनके लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम की भी सुविधा होनी चाहिए। और ये बात से आप बिल्कुल वाकिफ होंगे कि किस तरीके से ऑनलाइन में क्या प्रैक्टिकल हुआ होगा, क्या प्रैक्टिकल हुआ होगा। और आप जो अब एग्ज़ाम कराएंगे तो सबके लिए समस्याएं सिमिलर उत्पन्न होंगी। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई, हम तो ये कह रहे हैं कि आप यूनिवर्सिटी आइए, यूनिवर्सिटी खुलना चाहिए। और जो फर्स्ट ईयर के छात्र हैं उनके लिए तो मैं और कह रहा हूँ कि आप बढ़ चढ़ के कोशिश कीजिए कि आके यहाँ पढ़िए, लेकिन हम आपके इस अधिकार का भी जो है सपोर्ट में है पूरे कि आपको वो मिलना चाहिए कि आपका अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम पढ़ाई नहीं हुई है तो अगर ऑनलाइन हुई है तो ऑनलाइन ही आपको एग्ज़ाम का सुविधा भी मिलना चाहिए। और मुझे नहीं लगता है कि इसमें कहीं से भी हमारी मांग जो है कहीं से भी नाजायज़ है, बिल्कुल जायज़ डिमांड है। और मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को इस बारे में सोचना चाहिए, सोचेगी भी और निश्चित रूप से सोचेगी। अच्छा, यहाँ पे एक द्रुति वर्ष के छात्र भी हैं, सभी समस्याएँ जो फाइनल बच्चों की वो आपकी भी है? हाँ, सेम समस्याएँ हम लोग की भी है कि हम लोग का भी क्लासेस जो है जनवरी से शुरू कर दिया गया, लगभग सिलेबस अच्छा खासा सिलेबस पास कर गया पढ़ा दिया गया और बस वही है, PDF से स्क्रॉल किया गया। 2-3 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, कोई बात नहीं है। वही मैं बोला, वो आज मैंने जो वीडियो बनाया सुबह में उसमें ये बात मैंने ऑलरेडी मेंशन किया, जो कि मैंने OBE पे जोड़ दिया। बाकी हाइब्रिड मोड में इन लोगों ने जो बात रखी वो भी बहुत ही सराहनीय है, प्रशासन को सोचना भी चाहिए। और OBE के लिए वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से मैं इस बात को बोल सकता हूँ कि प्रशासन को इस बारे में विचार करना ही पड़ेगा। और वो ये है कि आप अगर ऑनलाइन पढ़ाए हो तो पेपर आपको ऑनलाइन ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है कि पूरे सिलेबस को बस 25 डेज में 30 डेज में कंप्लीट करके और आप उसे तुरंत एक हॉल में, क्योंकि देखो जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है वो एक काफ़ी उसका एक डिसिप्लिन है।
सबको पता है कि उसमें किस तरीके से पेपर देना पड़ता है। तो हम भी नहीं चाहेंगे कुछ डिसिप्लिन को भंग करके पेपर देना पड़े। भाई हम भी तो चाहेंगे ना, स्टूडेंट का क्या होता है, एक धर्म होता है कि हम पेपर देने जाएं तो हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर होकर जाएं, दिमाग में सब कुछ हो, अच्छे से लिखें, अच्छे मार्क्स आए हमारे। अब ऐसा तो है नहीं कि बस गए और कुछ भी लिख के चले आए। तो इसलिए जितनी भी मांगे हैं वो बहुत सही है, प्रशासन को इस पर विचार करना ही पड़ेगा। किसी को और भी कुछ बोलना है इसमें? देखिए BHU पिछले कोरोना में जो है बोले 125 स्मार्ट क्लासरूम बनाए, ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट में 1 से 2 स्मार्ट क्लासरूम बनाए, जहाँ से चाहे तो हाइब्रिड मोड में आराम से पढ़ा सकते हैं। UGC इनको स्वतंत्रता दी जो ऑनलाइन क्लास लीजिए या फिर हाइब्रिड लीजिए या फिर ऑफलाइन लीजिए, ठीक है। तो एक समन्वय हो सकता है ना, हाइब्रिड मोड ले ले, 125 आप मतलब जो स्मार्ट क्लासरूम बनाए उसकी क्या मतलब महत्ता रह गई है अगर आप हाइब्रिड क्लासरूम क्लास नहीं ले रहे हो। उसके अलावा आप 1000 VVX का जो खरीदे थे की खरीदे थे 1000 VVX का, उसकी क्या महत्ता रह गई है जब आप जूम पे पढ़ा रहे हो, पूरे वेस्ट चले सब वेस्ट चले गए हैं। अच्छा यहाँ पे एक बात और, ये पूरी बात है आप लोग बस इस सेमेस्टर की बात के लिए कर रहे हो? जी जी बिल्कुल, जो ऑन गोइंग सेमेस्टर है बस इसकी बात कर रहे हैं। हमें आगे का सेमेस्टर जो एकदम ऑफलाइन खोलिए, हम एकदम तैयार हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इंटरेस्ट निकाल के फिर आएंगे, यहीं से पढ़ेंगे और ऑफलाइन पढ़ेंगे। देखिए ये देखिए सकारात्मक सोच इसी को बोलते हैं। तो फाइनली अगर कंक्लूजन पे जाएं, जो समस्याएं हैं आप सभी लोग इससे अवगत हैं। हाँ हाँ जरूर जरूर, कि जैसे देखिए पिछले वर्ष भी आया था, फरवरी मार्च के वक्त यहाँ पे आया था जब चीज़ें नॉर्मल हो रही थी, लेकिन फिर मार्च में आपने देखा कि कोरोना का जो आउटबर्स्ट हुआ था, उस वक्त ये हुआ कि लाइब्रेरी में बहुत सारे लोग जाते थे पढ़ने के लिए और अचानक से 1-2 केस मिलने शुरू हुए। हम लोग आखिर यहाँ पे इस चीज़ के लिए क्यों है, क्योंकि ये जो अभी कोविड का लहर आया है ये तो हमें आप मतलब आप खोल दिया आपने, आप इस ये मानकर चल रहे ख़त्म हो गया, लेकिन अगर वापस से आप समझिए कि तृतीय वर्ष के छात्र को किसी को अगर गलती से हो भी गया तो उसका पूरा वर्ष खराब चला जाएगा। और दूसरी बात ये कि अगर किसी भी स्टूडेंट को आप सेकेंड ईयर की बात करते फर्स्ट ईयर की बात करते अगर किसी को अगर बैक वगैरह लग जाता है तो आप वो थर्ड ईयर तक क्लियर कर लेते हैं, लेकिन अगर तृतीय वर्ष के किसी छात्र को आप बात की बातें सुन चुके हैं कि किस तरह से हमें स्ट्रगल करना पड़ता है लाइफ में, अभी कितनी जॉब की दिक्कतें हैं, एक वर्ष पूरा बर्बाद चला जाएगा हमारा। तो इसके लिए अगर हम बहुत सारे फैकल्टी की बात करें तो ये बात सच है कि भाई बैक लगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर ये कई सालों तक पास करता रहेगा। सो इसी बातों के साथ हम लोग कंक्लूड करेंगे और पूरी उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, खासकर जो व्यूवर हैं वो घर बैठे अगर जो आसपास अवेलेबल हैं वो, इनका एक टाइमिंग है कल 10:30 के आसपास यहाँ पे उपस्थित होना है, यही टाइमिंग है आप लोग का, तो यहाँ पे जो सपोर्ट कर सकता है वो यहाँ पे सपोर्ट करें, अदरवाइज पूरी कोशिश करें आप लोग कि ऑनलाइन बेसिस पे हम लोग जो ट्विटर कैंपेनिंग करेंगे उसमें पूरा सहयोग दें, जिससे कि ये जो मुद्दा है प्रशासन पर विचार करे और एक बच्चों के हित में एक इस पे डिसीजन आए और हम लोग को हमारी पढ़ाई अच्छी से चल सके। इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है ना वो ये कि पहले आप एक बहुत मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है कि पहले आप जो है खुलवाने के लिए बैठे थे और अब जो है बंद करवाने के लिए बैठे हैं, तो इस चीज़ को क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि पहले जो खुलवाने के लिए बैठे थे वो यूनिवर्सिटी खुलवाने के लिए बैठे थे, यूनिवर्सिटी के बाकी सारे एमिनिटीज़ जो हमें मिलते हैं वो हम अवेल कर पाएँ इसलिए खुलवा रहे थे, और बच्चे यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेज आके कर पाएँ इसलिए हम खुलवा रहे थे। लेकिन अभी जो हमारा मुद्दा है वो एक बहुत छोटा सा सिंपल सा मुद्दा है, वो है एंड टर्म को लेके कि जो भी एंड टर्म है उसमें हमें रियायत दी जाए और हमें हाइब्रिड मोड में क्लासेज मिले और ऑनलाइन एग्ज़ाम जिस तरीके से हो पाए वैसे लिया जाए, ऑनलाइन एग्जाम लिया जाए। तो इन दोनों को कन्फ्यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, और ये जो मिस इन्फॉर्मेशन फैल रहा है उसको भी बहुत अच्छे से क्लैरिफाई होके क्लैरिटी के साथ समझना जरूरी है, समझ के सपोर्ट करना जरूरी है, ठीक है। तो हम अभी आप लोग थोड़ा अपना केयर करिए, आराम से रहिए और सुबह अपना जो भी कराना हो उसको क्रियान्वित करें, और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग का सपोर्ट बना रहे, ठीक है। सो गाइज प्लीज़ एवरीवन डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब, मुस्कुराना बिल्कुल ना भूलें। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।